हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फैंटेसी एक्सपर्ट में। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस नेपाल के बीच ये वुमेन्स एशिया कप का 10वां मुकाबला, और ये मुकाबला ग्रैंड लीग के लिए काफी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि एक तरफ इंडिया काफी स्ट्रांग है और दूसरी तरफ नेपाल काफी वीक टीम है। यहाँ पे टॉस कंडीशन होगा। जिस तरह से इंडिया की तरफ से लोग ज्यादा प्लेयर को पिक कर रहे हैं, इनके 8 से 9 प्लेयर को पिक कर रहे हैं, जबकि नेपाल की तरफ से 2 से 3 ही प्लेयर को पिक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा गलती रहेगा। यहाँ पे टॉस के बाद पता चलेगा कि कौन कौन से प्लेयर फ्लॉप जा सकते हैं और किस प्लेयर का परफॉर्म आ सकता है, उसके बेस पर टीम बनेगी। जिस तरह से हमने पिछले मैच में प्रिडिक्शन किया था कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करेंगे तो अच्छे खासे रन बनाएंगे, लेकिन इनके कुछ विकेट गिरेंगे 4 से 5, जो कि दुबई के बॉलर को मिल सकती है, वैसा ही हुआ। इंडिया की तरफ से हरमनप्रीत कौर और रिचा घोष, जो कि मिडिल की बैट्समैन थी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर दी, जबकि मंदाना और साथ ही साथ हेमलता जो कि फ्लॉप हो गई। उसी तरह आपने देखा कि दुबई के 6 से 7 ही विकेट गिरा, तो फिर इंडिया के कुछ बॉलर भी फ्लॉप हो गए। तो इसी तरह का सीन हो सकता है। यहाँ पे नेपाल अगर पहले बैटिंग करते हैं तो इंडिया के भले बॉलर इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, उस कंडीशन में हेमलता को जिस तरह से लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो आज के मैच की ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकती है और इंडिया के टॉप टॉप 3 बैट्समैन काफी हो जाते हैं। जिस तरह से पिछले मैच में हरमनप्रीत कौर रिचा घोष परफॉर्मेंस की, तो इनका सिलेक्शन काफी हाई जाने वाला है, तो चेसिंग में ये सब फ्लॉप हो सकती है। जबकि पहले बैटिंग करते हैं तो रोजरी गार्ड हरमनप्रीत कौर फिर से जबरदस्त पिक हो सकती है। तो यहाँ पे पूरा सीन जो है वो टॉस का ही होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा दोनों टीम की प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से, कौन सी बॉलर पावर प्ले में बॉल करने वाले हैं, कौन मिडिल में करने वाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस्ट ऑप्शन कौन सी प्लेयर रहेगी, साथ ही साथ कौन सी प्लेयर ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी होने वाली है, जिसकी मदद से आप आसानी से ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग की बेस्ट टीम बनाओगे और अपने टीम को आसानी से रैंक करा सकती हो। तो इसलिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। बिना स्क्रिप्ट के शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों का इसी तरह प्यार मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन में मिलता रहे। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां आपको किसी भी मैच की ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम तो मिलती ही है, साथ ही साथ मैच प्रिडिक्शन, कोई भी न्यूज अपडेट आते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाता है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर दिया है। आप जाओ मेरे टेलीग्राम लिंक से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। डम्बुला क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका में ये मैच खेला जाएगा। इस ग्राउंड पे लगातार इस एशिया कप का लगातार मैच हो रहा है। पिच रिपोर्ट तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह का कंडीशन होता है। इस ग्राउंड पे टोटल 9 मैच खेले गए हैं, जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाले 3 और सेकेंड बैटिंग करने वाले 6 मैच को विन किए हैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 8 मैच जो है 9 मैच में 150 के अंदर खेला गया है, जबकि एक ही मैच हाई स्कोर मैच रहा है, जो कि 200 पिछले मैच में इंडिया बनाई थी। तो इंडिया का सबसे हाई स्कोर रन है। इस ग्राउंड पे स्पिनर को काफी ज्यादा हेल्प है। 9 मैच में टोटल विकेट जो है 52 स्पिनर को मिला है, जबकि पेसर को 23 ही विकेट मिले हैं। इस एशिया कप में पेसर बॉलर को भी विकेट मिल रहे हैं, तो इसलिए पेसर का थोड़ा विकेट जो है वो बढ़ गया है। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का 140 का है, जो कि बैटिंग के लिए बैलेंस है। वैसे वुमेन मैच के हिसाब से मतलब ठीक ठाक है। वैसे हाई स्कोर इस ग्राउंड का 201 5 विकेट पर है, जो कि इंडिया पिछले मैच में मारी थी, और इस ग्राउंड का लो स्कोर 108 का है, जो कि पाकिस्तान का है। पूरी मतलब पूरी विकेट गवा चुकी थी इंडिया के खिलाफ ही इसी एशिया कप में मैच खेला गया। वैसे लास्ट के अगर इस ग्राउंड के कुछ मैच को देखोगे तो लास्ट मैच नेपाल और पाकिस्तान के बीच खेला गया। नेपाल 108 रन 6 विकेट पर बनाए, जबकि पाकिस्तान चेस करने में 1 विकेट पर चेस कर ली। उससे पहले इंडिया और यूएई के बीच मैच हुआ, इंडिया 201 रन बनाई 5 विकेट पर, जबकि दुबई की टीम 123 रन बनाई 7 विकेट पर। यहाँ पे पेसर को 3 विकेट और स्पिनर को 7 विकेट मिला। उससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच हुआ, बांग्लादेश पहले बैटिंग करके 111 8 विकेट पर बनाई, जबकि श्रीलंका की टीम 114 रन बना दी 3 विकेट पर। यहाँ पे पेसर को 3 विकेट
और स्पिनर को 8 विकेट मिला, जबकि उससे पहले थाईलैंड और मलेशिया के बीच मैच हुआ, यहाँ पे थाईलैंड की टीम पहले बैटिंग करके 123 6 विकेट पर बनाई, जबकि मलेशिया की टीम 111 8 विकेट पर बनाई थी। यहाँ पे भी पेसर को 4 विकेट और स्पिनर को 8 विकेट मिला। तो आप कंडीशन देख रहे हो कि स्पिनर पेसर की अपेक्षा स्पिनर को अच्छे खासे मदद मिल रहे हैं, अच्छे खासे विकेट मिलते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने टीम में स्पिनर को ले जा सकते हो। लेकिन टीम का कंडीशन समझ लेना कि यहाँ पे टॉस फैक्टर रहेगा, जो टीम टॉस जीतेगी उसके विकेट ज्यादा गिरेंगे। इंडिया भी अगर पहले बैटिंग करते हैं तो उनके विकेट गिरेंगे, जिस तरह से नेपाल को पूरी तरह से इग्नोर करा इस तरह का कंडीशन नहीं रहना। इन दोनों के बीच अभी तक हेड टू हेड एक ही मैच खेला गया है, एक मैच इंडिया ही विन किए हैं और फेवरेट भी इंडिया ही रहेगी, क्योंकि इस एशिया कप में भी लगातार मैच को विन करते आ रही है, जबकि नेपाल भी रिसेंट में कुछ मैच जो लास्ट के मैच 5 मैच खेली है उसमें 3 मैच को विन की है, जबकि इस सीरीज में भी मलेशिया को हरा कर आ रही है, जबकि इनका विकेट देखोगे उतना ज्यादा नहीं गिरता है, तो उसको ध्यान में रखना। सबसे पहले इंडिया के पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो मंधाना के साथ शेफाली वर्मा जो कि ओपनिंग करने वाले हैं, हेमलता है, हरमनप्रीत कौर है, रोजरी गार्ड है, ऋचा घोष है, दीप्ति शर्मा है, वस्त्राकर है, राधा यादव है, तनुज कन्वर है और रेणुका सिंह है। तो ये इंडिया के पॉसिबल प्लेइंग 11 है, इनमें अगर कोई बदलाव होता है तो मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। इंडिया की तरफ से पावर प्ले में जो बॉल करेगी वो है रेणुका सिंह, वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा। वैसे देथ के बॉलर की बात करें तो रेणुका सिंह के साथ वस्त्राकर जो कि देथ में करने वाली है, साथ ही साथ दीप्ति शर्मा भी देथ में बॉल कर लेती है। इंडिया की तरफ से टॉस कंडीशन रहेगा प्लेयर चुनने का, पहले बैटिंग करती है तो मैं साथ ही प्लेयर को लेकर जाने वाला हूँ, वही सेकेंड में बैटिंग करती है तो 8 प्लेयर को लेने वाला हूँ। सेकेंड में अगर चेस करती है तो इंडिया के टॉप 3 बैट्समैन जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बेहतर रहेंगे, आप 3 ही प्लेयर के साथ जाना। उस कंडीशन में आप ज्यादा बॉलर को पिक कर सकते हो, बॉलर ज्यादा आपके लिए बेहतर रह सकती है। वही पहले बैटिंग करते हैं तो बैटिंग सेक्शन से हरमनप्रीत कौर और साथ में रोजरी गार्ड को ले सकते हो। वैसे तो ऋचा घोष आपके लिए बेहतर रहेगी, जिस तरह से पिछले मैच में परफॉर्म की है उस तरह का परफॉर्म करती नहीं है, लेकिन इनका बैटिंग डाउन है तो इसलिए उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करती है। पिछले मैच में स्टार्टिंग में विकेट गिर गया था तो इसलिए बेहतर परफॉर्म किए। वैसे नेपाल का ज्यादा विकेट गिरेगा तो विकेट कीपर से आपको कैच लेकर पॉइंट दे सकती है, तो सेफ रहेगी, आप ले जा सकते हो। जबकि यहाँ बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पे दीप्ति शर्मा, वस्त्राकर और साथ में राधा यादव और यहाँ पे तनुज कन्वर, ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। जबकि इंडिया पहले बॉलिंग कराती है तो रेणुका सिंह को आप ले जा सकते हो। वैसे मैं टीम पे आपको कंडीशन बता दूंगा कि कौन कौन से प्लेयर को किस कंडीशन में लेकर जाना है। इंडिया की तरफ से बेंच प्लेयर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। नेपाल के पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो समझाना खडका के साथ, मगर जो कि ओपनिंग करने वाली है कन्वर है, वर्मा है, चेत्री है, साथ में माथो है, कविता जोशी है, रावल है, साथ में श्रेथा है, साथ में मार्सिनी है और यहाँ पे रोमा थापा है। तो ये नेपाल के पॉसिबल प्लेइंग 11 है। इनकी तरफ से जो पावर प्ले में बॉल करने वाली है कविता, कन्वर के साथ चेत्री और साथ में माथो जो कि पावर प्ले में बॉल करेगी। वही देथ की बात करें तो इंदु वर्मा के साथ जो कि कविता जोशी देथ में बॉल करने वाले हैं कन्वर के साथ, तो ये बेस्ट प्लेयर कन्वर रहने वाली, क्योंकि ये टॉप में बैटिंग भी करती है और अच्छी बैट्समैन है, काफी बेहतर बैटिंग कर लेती है। तो इनको आप डिफरेंशियल अगर ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहो नेपाल की तरफ से तो इनको बना सकते हो, उसी कंडीशन में बनाना जब नेपाल पहले बॉलिंग कराती है। वैसे नेपाल की तरफ से मेरे टीम में 3 से 4 प्लेयर रहने वाली है, उसका कंडीशन रहेगा टॉस का, तो मैं आपको जब टीम बनाऊंगा ड्रीम 11 पे तो उस पे बता दूंगा। वैसे इनकी तरफ से अगर बेंच प्लेयर की बात करें तो बेंच प्लेयर का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा उसका किस तरह का स्टेट है। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ ड्रीम 11 पे, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आ जाते हैं ड्रीम 11 पे, और ड्रीम 11 पे ही मैं आपको एक एक प्लेयर का कंडीशन बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले विकेट कीपर में आ जाते हैं, एक तरफ ऋचा घोष है, दूसरी तरफ नेपाल की तरफ से सरिता है, तो ये दो ऐसे विकेट कीपर है। देखो इंडिया की ऋचा घोष सबसे सेफ प्लेयर है स्मॉल लीग के लिए, वैसे चेसिंग में इनकी बैटिंग नहीं आएगी, बैटिंग का उम्मीद नहीं करना, लेकिन इस मैच में नेपाल का सबसे ज्यादा विकेट गिरेगा तो विकेट कीपर से कैसे और
स्टंपिंग से पॉइंट दे सकती है, लेकिन ज्यादातर इस ग्राउंड पे स्पिनर को ज्यादा हेल्प रहता है, तो यहाँ पे कैच जो है वो विकेट कीपर में उतना ज्यादा नहीं आता है। तो आप ग्रैंड लीग में यूनिक करना चाहो तो ऋचा घोष को ड्रॉप करके आप सरिता को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये अगर 10 से 20 रन भी बनाती है तो भी ये ग्रैंड लीग में अपना जगह बना देगी। अगर ये दो से तीन कैच नहीं पकड़ती है तो फिर उससे ज्यादा इनका पॉइंट आ जाएगा, सेकंड में इनकी बैटिंग आने की कम ही संभावना रहेगी। तो उस कंडीशन में आप यूनिक करना चाहो तो एक तरफा जिस तरह से सभी लोग ऋचा घोष को लेकर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे सरिता को लेकर जाओ अगर इंडिया चेस करते हैं, तब पहले बैटिंग में ऋचा घोष ही सेफ रहेगी, जबकि पहले नेपाल बैटिंग करती है तो आप यूनिक के तौर पर सरिता को ले जा सकते हो। अगर कुछ भी पॉइंट मारती है तो ये आपके ग्रैंड लीग की टीम में आ जाएगी, तो आपके लिए यूनिक टीम बनाने के लिए आप सरिता को ले जा सकते हो। पहले मैं स्मॉल लीग की टीम बना रहा हूँ तो स्मॉल लीग की टीम के हिसाब से ही बताऊंगा। उसके बाद अगर इंडिया चेस करते हैं तो मंधाना और शेफाली वर्मा इंडिया की तरफ से मैन प्लेयर है और बेहतर परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। शेफाली वर्मा तो लगातार कर रही है, वैसे इस एशिया कप से पहले शेफाली वर्मा का परफॉर्म देखोगे तो लगातार फ्लॉप जा रही थी। तो आप चाहे मेगा ग्रैंडिंग में जैसे कि इंडिया पहले बैटिंग करते हैं तो शेफाली वर्मा पे एक बड़ा रिस्क ले सकते हो, जो कि आपकी टीम अच्छी खासी रैंक कर सकती है। अगर ड्रॉप कर दिए और ये फ्लॉप चली गए तो फिर बेहतर परफॉर्मेंस बेहतर रैंक आपका आ सकता है। वैसे दोनों सेफ है, स्मॉल लीग के लिए दोनों को ले जा सकते हो। इंडिया के चेसिंग में हेमलता जो कि यूनिक प्लेयर रहेगी, ये फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हैं, इंडिया की एक भी विकेट गिरा तो फिर हेमलता का बेहतर परफॉर्मेंस आ जाएगा। जनरली लोग इनकी तरफ से हरमनप्रीत कौर को लेकर जा रहे हैं, चेस में हो सकता है इंडिया का एक ही विकेट गिरे या ऐसा भी हो कि ना गिरे, तो ये दोनों ही बेस्ट रहेगी। हरमनप्रीत का बेहतर परफॉर्मेंस चेस में नहीं आ सकता है, हाँ अगर विकेट गिरेगा तभी आ सकता है। पहले बैटिंग करेगी तो आप हरमनप्रीत को बिंदास ले सकते हो, ये सेफ हो जाएगी, नहीं तो अगर चेसिंग करते हैं तो मैं हेमलता को ले जाने वाला हूँ। तो यहीं पर रोटेट कर देना, इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो हरमनप्रीत को अपनी टीम में रख लेना, नहीं अगर चेस करती है तो यहाँ पे आप हेमलता के साथ जा सकते हो, जो कि आपकी यूनिक टीम भी बनेगी। वैसे आप रोजरी गार्ड को मेगा ग्रैंड लीग में ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बना सकते हो, आज के मैच में बेहतर कर सकती है, जब इंडिया पहले बैटिंग करेंगे तभी आप इनको ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बनाना, नहीं तो ड्रॉप करके ही चलना। तो फिलहाल यहाँ पे टॉस का कंडीशन है नहीं, तो मैं फिलहाल अपने टीम में हरमनप्रीत को ही लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ये सेफ प्लेयर है। ऑलराउंडर सेक्शन में दीप्ति शर्मा और साथ ही साथ वस्त्राकर इंडिया की तरफ से सेफ तो रहेगी, साथ ही साथ मैं नेपाल की तरफ से छेत्री और साथ में यहाँ पे राणा को लेने वाला हूँ, क्योंकि ये राणा बेहतर प्लेयर है, 3 से 4 नंबर पे बैटिंग करती है और अच्छी खासी बॉलिंग भी कर देती है, अभी तक विकेट नहीं मिला है, बैटिंग अच्छा करती है, तो आप इन दोनों को ले जा सकते हो। जनरली लोग कुछ प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, उस कंडीशन में होगा क्या कि जब इंडिया पहले बॉलिंग कराएगी तो उस कंडीशन में आप कन्वर यहाँ पे कन्वर को ड्रॉप करके आप चाहें तो इनकी जगह पे जो इब्राहिम है, इब्राहिम को नेपाल की तरफ से ट्राई कर सकते हो, तो ये आपके लिए यूनिक टीम रहेगी। यहाँ पे रेणुका सिंह को लिया हूँ, वही अगर चेसिंग करती है तो यहाँ पे रेणुका सिंह पे एक बड़ा रिस्क लेकर मैं अपने टीम में कन्वर को ट्राई करूंगा, जो कि आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेगी। ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, टॉस कंडीशन रहेगा, ये फाइनल टीम नहीं है, इस टीम से आप टीम ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि इस टीम में एक दो प्लेयर पे हमने रिस्क लिया है। नेपाल की तरफ से 3 ऑलराउंडर को लेकर आ रहा हूँ, तो आपके लिए ये स्मॉल लीग की टीम है जो पूरी तरह से सेफ है। इंडिया पहले बॉलिंग कराती है तो वस्त्राकर को कैप्टन बनाकर अब दीप्ति शर्मा को वाइस कैप्टन बना देना, जबकि इंडिया पहले बैटिंग करती है तो फिर आप मंधाना को वाइस कैप्टन कर दीप्ति शर्मा को कैप्टन कर देना, या आप मंधाना को कैप्टन बनाकर दीप्ति शर्मा को वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो ये स्मॉल लीग की इनिशियल टीम है। देता हूं ग्रैंड लीग का ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी, क्योंकि जिनका सिलेक्शन लो रहेगा वही प्लेयर आपके ग्रैंड लीग की टीम को रैंक करा सकते हैं। जैसा कि हमने विकेट कीपर में सरिता को बताया कि इनकी टीम पहले बैटिंग करते हैं तो ले जा सकते हो, अगर 10-20 रन भी बना देती है तो भी ग्रैंड लीग में आ सकती है, क्योंकि ऋचा घोष बैटिंग से पॉइंट नहीं दे सकती, क्योंकि हो सकता है इनका बैटिंग ही ना आए, क्योंकि 6 नंबर पे है, चेसिंग में इनका बहुत कम ही संभावना रहेगा बैटिंग आने का। इंडिया के टॉप ऑर्डर अगर फ्लॉप जाएंगे तभी आ सकता है, लेकिन नेपाल के खिलाफ उतना चांस है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए सरिता जो कि ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हो सकती है। उसी तरह इंडिया की तरफ से 2 ऐसे प्लेयर हैं, रोजरी गार्ड, इंडिया पहले बैटिंग करते हैं तो इनकी बैटिंग आ सकती है और ये ताबड़तोड़ बैटिंग करती है, कुछ भी बॉल मिलते हैं तो अच्छे खासे रन बना देगी। उसी तरह हेमलता है, फर्स्ट डाउन बैटिंग करती है तो इनके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है, ये दोनों आपके लिए ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। उसी तरह 2 बॉलर को रखा हूं जो कि नेपाल की तरफ से कन्वर है, जिनका काफी लो सिलेक्शन है और ये टॉप में बैटिंग करती है और बॉलिंग भी करती है, बैटिंग अच्छा खासा कर लेती है, तो बैटिंग और बॉलिंग जो कि ऑलराउंडर है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ये ऑलराउंडर है, तो लोग पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। टॉप में बैटिंग करती है, वैसे बैटिंग इनका फिक्स नहीं रहता, ये थोड़ा हिटिंग करती है तो इसलिए कभी कभी इनको प्रमोट कर दिया जाता है, तो इसलिए इनका इन्फॉर्मेशन मैं फाइनल टेलीग्राम पे बताऊंगा, जो कि टॉस के बाद आपको पता चल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। उसी तरह दूसरे प्लेयर मैं कन्वर को रखा हूं, जो कि आप प्रीव्यू देख सकते हो, ये 5 प्लेयर है, यहां पे मैं 6 प्लेयर को ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी में रखा हूं ग्रैंड लीग में, जो कि इनमें से आप 4 प्लेयर को ग्रैंड लीग में रख सकते हो, टॉस के हिसाब से सारा कंडीशन बता दिया हूं और इसी के बेस पर मैं ग्रैंड लीग की टीम बनाकर दिखा रहा हूं। जैसे कि हमने यहां पे कन्वर को रखा है
उस कंडीशन में इंडिया पहले बैटिंग करेगी, इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो यहाँ पे दीप्ति शर्मा और साथ में कन्वर तो रहेगी, यहाँ पे चेत्रा साथ में इब्राहिम और यहाँ पे वस्त्राकर को रखूंगा, यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में हेमलता की जगह पे मैं हरमनप्रीत कौर को रखूंगा, साथ में मंधाना रहेगी। यहाँ पे दो ऐसे प्लेयर हो गए जिनको मैं बड़ा रिस्क ले लिया हूँ, हरमन यहाँ पे शेफाली वर्मा को ड्रॉप करके, विकेट कीपर में मेरे लिए यहाँ पे श्रेथा की जगह पे ऋचा घोष को रखूंगा जब इंडिया पहले बैटिंग करेगी। तो ये आपके लिए आप देख सकते हो, ये आपके लिए ग्रैंडी की यूनिक टीम है। उस कंडीशन में हरमनप्रीत को आप कैप्टन बनाकर, वाइस कैप्टन जो है आप वस्त्राकर को वाइस कैप्टन बना सकते हो, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूनिक टीम है। आप एकाक बॉलर और बढ़ा सकते हो जिसमें आप जैसे कि यहाँ पे आपके लिए काफी सेफ ऑप्शन रहेगी यहाँ पे राधा यादव, तो राधा यादव के लिए आपको एक बड़ा रिस्क लेना होगा। अपने टीम में राधा यादव को रख लिया हूँ क्योंकि राधा यादव कभी भी थॉक में विकेट निकाल सकती है, तो यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे कि मंधाना अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं की है, तो सबसे ज्यादा बैटिंग से शेफाली वर्मा को लोग बना रहे कैप्टन वाइस कैप्टन, जबकि मैं अपने टीम में ड्रॉप कर रहा हूँ तो उनको ड्रॉप कर दिया हूँ। तो उस कंडीशन में आप राधा यादव को वाइस कैप्टन करके या आप वस्त्राकर को वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो ये आपकी पहली ग्रैंड लीग की टीम है, बाकी कुछ टीम में शेफाली वर्मा को लेकर भी जाना होगा क्योंकि कंसिस्टेंट है, बहुत सारे प्लेयर ऐसी होती है जो लगातार परफॉर्म करती चली जाती है, तो इस मैच में भी उनका परफॉर्म आने की संभावना है। तो मैं पहले ग्रैंड लीग की टीम में रिस्क लिया हूं, बाकी मैं चार ग्रैंड लीग की टीम बनाता हूं, तो इसलिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिनअप कर रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे जहां आपको चार ग्रैंड लीग की टीम साथ एक स्मॉल लीग की टीम मिल जाएगी जिससे कि आप अच्छी खासी टीम को रैंक करा सकते। उम्मीद है कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।